hello everyone you are welcome to class and in this class we are going to talk about some more msqs from victorian era this is part third arrange the following novels chronologically your novels are chronologically you david copperfield pickwick papers nicholas nickel great expectation so first is uh, pickwick papers second nicholas nickel David Copperfield and Great Expectations. You can see the answer. Now let's go through some details of these works. The posthumous papers of Pickwick Club, known as the Pickwick Papers. So Pickwick Club and Pickwick Papers dono ek hi the, was Charles Dickens' first novel or ye kathiap uh, Charles Dickens' ki first novel with he. So there are two three things. First thing is the writer is Charles Dickens. And Pickwick Club is known as Pickwick Papers, because of his success with his sketches of Boz published in 1836, Dickens was asked by the publisher, Chapman and Hall. तो यहाँ पे ये भी काफी बार पूछा जाता है कि जो publisher था वो कौन था? तो publisher है आपका Chapman and Hall, उन्होंने sketches by Boz और Charles Dickens का जो pen name है वो Boz है। बहुत सारी चीज़ें चार्ल्स डिकन्स के बारे में आप यहाँ पर याद कर सकते हैं पब्लिश हुआ था स्केचेस ऑफ बॉस एटीन थर्टी सिक्स में उन्होंने उनसे दोबारा ये कहा था पब्लिक करने के लिए टू सप्लाई डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सप्लेन अ सीरीज ऑफ कॉमिक कॉकनी स्पोर्टिंग प्लेट्स बाय लिस्ट्रेटर रॉबर्ट सेमो एंड टू कनेक्ट देम इनटू अ नोवेल उन्होंने उसे चैपमैन एंड हॉल ने उन्हें नावल लिखने के लिए कहा था द बुक बिकेम ब्रिटेन फर्स्ट रियल पब्लिशिंग फिनिना

हिट वॉज डिकन्स थर्ड नॉवल और जो निकोलस निकल बाय है वो उनकी थर्ड नावल है डिकेंस की द स्टोरी सेंटर्स ऑन द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकल बाय आ यंग मैन हु मस्ट सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर डाइज यहाँ पे जो टोटल स्टोरी है वो निकोलस निकल बाय के एडवेंचर्स की है डेविड कापोरफील्ड डेविड कापोरफील्ड दिस इज द एट्स नावल ऑफ चार्स डिकन्स आठवीं नॉवल थी द नावल्स फुल टाइटल द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर एक्सपीरियंस एंड observation ऑफ डेविड copperfield the younger ऑफ the बर्नड rookery which he never ही to publish टू पब्लिश ऑन एनी अकाउंट काफ़ी बड़ा टाइटल था इट वाज़ फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन एटीन फोर्टी एज अ बुक इन एटीन फिफ्टी और जो डेविड कॉपरफील्ड पब्लिश हुई थी एज अ बुक ये आपकी एटीन फिफ्टी में पब्लिश हुई थी लेकिन एटीन फिफ्टी फोर्टी नाइन फिफ्टी में ये एक सीरियल की तरह पब्लिश हुई थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये थर्टींथ नावल थी चार्ल्स डिकेंस की और इसमें निक नाम का एक कैरेक्टर है जिसके बारे में टोटल स्टोरी है एंड हिज शॉर्ट नेम इज़ पिप एंड दिस इज अ काइंड ऑफ बिल्डिंग्स रोमन बिल्डिंग्स रोमन जहाँ पे कि जो कैरेक्टर होता है उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाया जाता है उस नावल को हम बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं

विच ऑफ़ द फॉलोइंग पोएस बाय अल्फर्ड टेनिसन बिगनस विद दी वर्ड्स लॉन्ग लाइन्स ऑफ क्लिप ब्रेकिंग तो ये जो कोटिशन है लॉन्ग लाइन्स ऑफ क्लिप ब्रेकिंग ये किस में है तो ये इनाकार में है इनाकार एज़ अ नेरेटिव पोएम पब्लिश्ड इन एटीन सिक्सटी फोर तो इसे पब्लिश किया गया था एटीन सिक्सटी फोर में ड्यूरिंग हिस्टैन एज इंग्लैंड पोइट लॉरेट और उस टाइमो पॉइट लॉरेट्स भी थे दिस स्टोरी ऑन विच इट was बेस्ड was प्रोवाइडेड टू Tennyson by बाय थॉमस वोलना और जो इनाकार जो पोइम थी इसकी जो स्टोरी इस थी वो थॉमस वलना ने उन्हें बताई थी इन विच ऑफ सोसाइटी डज अनोल्ड प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड अनारकी तो यहाँ पे जो अनोल्ड है थॉमस अनोलॉल्ड उन्होंने खुद को अपनी बुक कल्चर एंड अनारकी में खुद को किस कैटेगरी में रखा था सो ही कॉल्स हिम बारबेरियंस Next is the cry of the children is a poem against child labour written by the child the cry of the children. Kiski poem or theme of child labour hai, and it was by elizabeth Barrett Browning. The cry of the children is a poem by English writer elizabeth Barrett Browning as we saw. we saw it. it examines child manual labor forced upon them by their exploiters exploiters it was published in august 1843. 1843 may blackwood magazine may publish the george meredith, english poet and novelist, lived during the jo george meredith, kiss period may. Uh, novelist and he was uh, poet as well. so it was victorian period. the everlasting no and एवर लास्टिंग या आर कैरेक्टरस इन ये किसमें कैरेक्टर हैं ये सार्ट में है एंड सार्ट का मीनिंग भी पूछा जाता है इसका मतलब होता है टेलर रिटेल थर्टी सिक्स में नॉवल थी बाई थॉमस कैलिल इसे थॉमस कैलिल ने लिखा था दुक ऑफ स्नॉब वोज रिटर्न बाई जो बुक ऑफ स्नॉब है वो किसने लिखी है इट वॉज बाय विलियम मैकपेस

चार्ल्स दांति रॉजिटी जनरली नोन एज दांति गैब्रियल रॉजटी इनके बारे में हम ऊपर काफ़ी पढ़ चुके हैं ये प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से जुड़ी हुई थी और इन्होंने जो फॉर्म किया था वो विलियम हॉलमेन हंट एंड जॉन एवरेस्ट मेलियस के साथ मिलकर प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का को फॉर्म किया था एटीन फोटी एट में इसमें सिटिंग एट द एट द होम ऑफ हॉलमन उस टाइम में हॉलमेन के घर में थे एंड दे फाउंडेड इट द हिस्टोरिकल नॉवल लॉ डून वॉज रिटन बाय जो लोना डून है वो किसने लिखी थी इट वॉज रिटन बाय रिचर्ड ब्लैकमोर रिचर्ड ब्लैकमोर की है लोना डून लोना डून रोमेंस ऑफ एक्समोर इज अ नावल बाय इंग्लिश ऑथर रिचर्ड डॉड्रिस ब्लैक मोर पब्लिश इन एटीन सिक्सटी नाइन यहाँ पे लोना डून जो है uh, वो क्या है आपका एक रोमेंस मीन्स uh, उसका जो सेकेंड नेम है वो है आपका अ रोमेंस ऑफ एक्समोर ये किसने लिखी है रिचर्ड डॉड्रेज ब्लैक मोर पब्लिश हुई है एटीन सिक्सटी नाइन में हु एडिटेड द पॉपुलर मैगजीन हाउस होल्ड वर्ल्ड हाउस होल्ड वर्ल्ड्स जो मैगज़ीन थी उसे किसने एडिट uh, किया था सो इट वॉज डिक सम ऑफ द पॉइंट्स पॉइंट्स अबाउट इट हाउस होल्ड वर्ड्स वर्स एन इंग्लिश वीकली मैगज़ीन एडिटेड बाई चार्ल्स डिक्स इन एटीन फिफ्टीज एटीन फिफ्टीज़ में उन्होंने इसे एडिट किया था इट टुक इट्स नेम फ्रॉम द लाइन इन शेक्सपियर्स हैंनरी फिफ्थ हैंनरी फिफ्थ की एक लाइन थी फेमिलियर इन हेज़ माउस एज हाउस होल्ड वर्ड्स तो यहाँ से उन्होंने डिकन्स ने इसका नाम लिया था मिस्टर हार्ड काशिल इज अ कैरेक्टर इन ये जो मिस्टर हार्ड काशिल है ये किस में मिलता है शी स्टूप्स टू कनक्वायर मैंने क्लास में आप लोगों को ये पूरा ड्रामा दिया था सो so, होपफुली आप लोगों को ये कैरेक्टर याद होगा शी स्टूप्स टू कनक्वायर इज अ कॉमेडी बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ की कॉमेडी है परफॉर्म हुई थी सेवनटीन सेवेंटी थ्री डू दीज लाइन्स का ये जो लाइन है ये कहाँ पर मिलती है गॉड्स इन हिज़ हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड ये है पीपा पापिस पासिस में दिस लाइन गॉड्स इन इन हिज हैवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड पीपा पासिस पीपा पासिस इज़ अ वर्स्ट ड्रामा बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्स्ट uh, ड्रामा है इट वॉज पब्लिश जो पब्लिश हुआ था ये एटीन फोर्टी वन में पब्लिश हुआ था यहाँ पे एक नाम है हु रोट अंडर द नेम ट्यूफल्स ड्रॉक ट्यूफल्स ड्रॉक किसका पेन uh, नेम था सो इट वॉज थॉमस कैलिल थॉमस कैलिन ने इस नाम से लिखा था एंड विच नॉवल बाय थॉमस हार्डी अटैक्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड प्रेजेंट इरोटोलैप्सी ज्यूट दी ऑबिसक्योर इज़ दे आंसर ज्यूट द ऑबिस्क्योर इज़ अ नॉवल बाई थॉमस हारडी थॉमस हारडी की नॉवल है विज बिगिन एज अ मैगज़ीन सीरियल इन डिसम्बर एटीन नाइन्टी फोर एंड वो वॉज फर्स्ट पब्लिश एज अ बुक फॉर्म इन एटीन नाइन्टी फाइव एटीन नाइन्टी फोर में शुरू हुई थी एंड ज्यूर दी ऑबिसक्योर हार की लास्ट कम्पलीटेड नावल भी है अन टू दिस लास्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ डैश एशेज ऑन इकोनॉमिक्स ये कितने एसेज थे अन टू दिस लास्ट इसमें फोर एसेस थे और ये किस पर है इकोनॉमिक्स पे है अनु दिस लास्ट इज़ एन एसे एंड बुक ऑन इकोनॉमी बाय जॉन रस्किन ये जॉन रस्किन की बुक है फर्स्ट पब्लिश बिटवीन ऑगस्ट दिसम्बर एंड दिसम्बर एटीन सिक्सटी इन मंथली जर्नल कॉन हिल मैगजीन इन फोर आर्टिकल्स विच इज़ जॉर्ज एलियट्स फर्स्ट नॉवल इन विच अ वुमेन इज ट्राइड फॉर मर्डरिंग हर ओन चाइल्ड यहाँ पे कौन सी नावल है जॉर्ज एलिएट की और ये फर्स्ट नावल भी है जिसमें वुमेन अपने बच्चे को माने की कोशिश करती है सो इट वॉज एडम बीट एंड वी हैव गॉन् थ्रू सो पेन नेम एज़ वी नो जॉर्ज एलियट था नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज़ बाय लिटन स्ट्रेची एमिनंट विक्टोरियन वॉज पब्लिश इन जो कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज थी लिटिन स्ट्रैची की वो किसने पब्लिश की थी कब पब्लिश की थी नाइनटीन एटीन एमिनेंट विक्टोरियंस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट बायोग्राफीज तो जो कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज था उसका नाम था आपका एमिनेंट विक्टोरियंस एंड दीज वर बाई लिटन स्ट्रैची पब्लिश्ड इन नाइनटीन एटीन हु ऑफ द फॉलोइंग वर्स एंड एडिटर ऑफ मैगजीन बेंटली मिसलैनी बेंटली मिसलैनी जो थी वो किसने पब्लिश uh, की थी सो विलियम हैरिसन एंसवोर्स एंड चार्ल्स टिकन्स बैंटली मिसलि वॉज इंग्लिश लिटरेरी मैगजीन स्टार्टेड बाई रिचर्ड बैंटली इन्होंने रिचर्ड बैंटली ने इस स्टार्ट किया था पब्लिश जो हुई थी वो एटीन थर्टी सिक्स और सिक्सटी uh, एट के बीच में पब्लिश हुई थी नेक्स्ट इज ब्राउन इंस द रिंग एंड द बुक इज ये जो बुक है ये किस तरह की बुक है इट्स आ लॉन्ग ऑफ ड्रामेटिक नैरेटिव एंड इट हैज़ ट्वेंटी वन थाउजेंड लाइन्स रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड इट इज़ काइंड ऑफ वर्स नावल इट वॉज पब्लिश इन फोर वॉल्यूम्स ये चार वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी इन बिटवीन एटीन सिक्सटी एट टू सिक्सटी नाइन द पॉइम सेप्टेम्बर वन नाइनटीन थर्टी नाइन एज़ अ पर्सनल सॉल ऑन वार एंड ह्यूमन डिजेनरेशन ये किसने लिखी थी जो पॉइंट थी सेप्टेम्बर वन नाइनटीन थर्टी नाइन इट वॉज बाई डब्ल्यू एच ऑर्डिन एंड इट वॉज रिटर्न ऑन द आउट ब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए ये लिखी गई थी वट इज द सब टाइटल ऑफ चार्लेट ब्राउंट इस जैन आया वी हैव सीन दिस अर्यर टू चार्ल्स ब्राउंटी की जो जैन आया थी वो एन ऑटोबायोग्राफी उसका सेकेंड नेम भी था एन आइडल हजबेंड और आ वुमन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस बाई ऑस्कर वाइल्ड आर दे ये जो वर्क था एन आइडल हजबेंड एंड आ वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस ये जो वर्क थे ये क्या थे तो ये आपके क्या हैं ऑस्कर वाइल्ड के सटायर्स थे शर्ली बाई चार्ल्स चार्लेट ब्राउटे एज अ पोर्ट्रेट ऑफ ये किसके बारे में था आ, शर्ली जो है वो आपका एलिजा बेस के बारे में है द टाइटल ऑफ द नावल वैनिटी फेयर जो वैनिटी uh, फेयर था वो कहाँ से लिया गया था ये टाइटल इट वॉज टेकन फ्राम बनियंस पिल्ग्रम प्रोग्रेस जो बनियन का पिल्ग्रम्स प्रोग्रेस था इस वर्क से ये लिया गया था हियर यू कैन गो थ्रू दीज डिटेल्स इट इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ द विक्टोरियन डोमेस्टिक नावल तो इसको प्रिंसिपल फाउंडर भी माना जाता है विक्टोरियन डोमेस्टिक नॉवल का एंड द स्टोरी इज फ्रेम्ड एज अ पपेट प्ले ये पपेट प्ले की तरह है? इसको फ्रेम्ड किया गया है एंड द नैरेटर डिस्पाइड बींग एन ऑथोरियल वॉइस इज समलायल रग्बी चैपल बाय अनोल्ड इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर तो रग्बी चैपल उन्होंने किसके लिए लिखी थी अपने फादर की डेथ पर लिखी थी रग्बी चैपल बाय अनोल्ड दिस पॉइंट इज एन एलेजी रिटर्न बाय मैसी अनोल्ड जो ये रग्बी चैपल है ये आपका क्या है एक एलेजी uh, थी जो कि उन्होंने अपने फादर थॉमस अनोल्ड के बारे में लिखी थी थॉमस अनोल्ड वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड क्रिटिक हु वर्कड एज स्कूल इंस्पेक्टर बट अमैन रीच शुड एक्सीड हिज ग्रेस्प और वर्ड्स हैवन फोर ये किसने लिखी थी ये लाइन्स आपकी ब्राउनिंग की विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कैलेस फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे कौन सी ऐसी नॉवल है जो कि कैल के फ्रेंच रेवोल्यूशन जो उन्होंने उनका वर्क था उससे इन्फ्लुएंस था अ टेल ऑफ टू सिटीज़ अ टेल ऑफ टू सिटीज इज एन एटीन फिफ्टी नाइन हिस्टोरिकल नॉवल बाय चार्ल्स टिकन्स एंड सेट इन लंडन एंड पेरिस तो यहाँ पे क्वेश्चन टू अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में ये भी पूछा जाता है कि जो दो सिटीज़ हैं टू सिटीज़ थे वो किस कौन कौन सी सिटीज़ मानी जाती हैं सो उनमें डिस्क्रिप्शन जो है वो है आपका लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग दी फ्रेंच रेवोल्यूशन और इसमें जो कैरेक्टर है द कैरेक्टर इज़ डॉक्टर मैनेट हीज़ एटीन ईयर लॉन्ग एम्प्रिजमेंट इन बस्टियर इन पैरिस एंड हेज़ रिलीज टू लिव इन लंडन विद हिज़ टॉटर लूसी होम ही नवो मेट सो डॉक्टर मैनेट आप इसकी इसके जो कैरेक्टर है उसे याद रख सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ गुड वर्क टू रिमेम्बर इन विच पोएम डू दिस लाइन इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल ये किस पोएम में हमें ये मिलती है इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट दैन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल ये इन मेमोरियम की लाइन है बहुत फेमस लाइन है और जो इन मेमोरी मेमोरियम आर्थ हेनरी हलम के लिए लिखी थी किसने लिखी थी अल्फ्रेड ने आर्थर हेनरी हलम कौन थे उनके फ्रेंड थे एंड इट पब्लिश्ड पब्लिश इन 1850 ये 1850 में पब्लिश हुई थी वी हैव गॉन थ्रू दिस राइटर अलाट ऑफ टाइम टेनिसन के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हु क्रिएटेड द कैरेक्टर स्विनी यहाँ पे जो स्विनी है uh, ये कैरेक्टर किसने किया था एन एप नेग्ड सिंबल ऑफ अनथिंकिंग मॉडर्न मटेरियलिज्म तो यहाँ पे आपके दो तीन क्वेश्चन हो जाते हैं एक जो करेक्टर है स्वीनी ये किसने किया था आ, बनाया था दूसरा ये है कि आ, जो सिंबल था वो क्या था एक नेक्ट है नेक्ट है सॉरी एंड सिंबल ऑफ अनथिंकिंग मॉडर्न मटेरियलिज्म तो ये पूछा जा सकता है कि, कि ये किस चीज़ का सिंबल है सो इट वॉज़ बाई टी एस एलियट एंड स्विनी एगनिस्ट बाय टी एस एलियट वॉज हिज फर्स्ट अटैम्प्ट एट राइटिंग अ वर्ड्स ड्रामा तो स्विनी एगनिस्ट उन्होंने एक uh, ड्रामा लिखने का की कोशिश की थी उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था रुबाई इज uh, रुबाइट्स मीन्स ये आपका रुबाई या रुबायत इसका मीनिंग क्या होता है इट इज़ क्वाचिन एंड इट इज अ पर्सियन फॉर्म ऑफ वर्ड्स विच कैरेक्टर इज़ विलिंग इन डेविड कॉपोफील्ड यहाँ पे जो कैरेक्टर विलिंग है वो किस में हैं सो इट वॉज़ बार्किस मिस्टर बार्किस फिक्शनल कैरेक्टर ये एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड 1865 सिक्सटी फाइव वॉज रिटन बाय चार्ल्स डॉज डॉसन इन द डैश पीरियड सो इट वॉज विक्टोरियन वी आर गोइंग थ्रू विक्टोरियन पीरियड सो इट इज़ इजी टू नो विच कैरेक्टर इन ऑलीवुड ट्विस्ट इज़ कॉल्ड द आर्टफुल डॉजर यहाँ पे हम जो ऑलीवुड ट्विस्ट है वो कौन सा कैरेक्टर है जिसे आर्टफुल डॉज़ कहा जाता है जैक uh, डॉकिंस ये चार्ल्स डिकन्स का वर्क है ऑलिवर ट्विस्ट एंड ही वॉज अ पिक पॉकेट यू कैन रिमेंबर ही वॉज अ पिक पॉकेट नो थ्रू फेयर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस एंड विल्की कॉलिन्स इज अ तो ये किस तरह का वर्क है आपका नो no सोरो या फेयर रिटिन या आपका है इट अ अल नेक्स्ट वन हु रोट द लाइन ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन काफ़ी बार इसको हम पढ़ चुके हैं और ये एज अ कोटेशन हम काफ़ी बार गो थ्रू हो चुके हैं सो इट वॉज बाय मैथ्यू अनोल्ड सो विद दिस वी एंड ट्रेज वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो